येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण सबाई बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। एक बार जोर करे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के आनुगत्य में श्री गिरिराज गोवर्धन दर्शन करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं श्री गिरिराज तलेटी, ये गिरिराज की तलेटी है। इसलिए अब लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे जो गिरिराज गोवर्धन है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं प्रमद मदन लीला कंदरे कंदर ते रचयति नव जुन द्वंदम अस्मिन मंदम ईत कील कलनार्थ लग्न कस द्वयर में निज निकट निवास देही गोवर्धन पुरनातम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कृष्ण यहाँ पर हर कंदरा कंदरा में, क्योंकि ये जो गिरिराज गोवर्धन अभी बता रहे थे ये श्री हरिदास वर्ज्य है, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री राधा रानी इसलिए कहती है हंताय अद्रिय वला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके, अब गिरिराज गोवर्धन में एक विशेष वस्तु देखना, आप कहीं भी पहाड़ देखो आप इसको हाथ लगाओ देखना रूखा रूखा लगेगा, लेकिन आप गिरिराज का कोई भी आप कोई भी एक पत्थर उठा करके तो गिरिराज के कई टुकड़े, लेकिन वो मुलायम लगेगा, वो ये खसखस नहीं लगेगा मुलायम लगेगा। क्यों? चुके है कृष्ण का चरण स्पर्श से श्री गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत हो गए। इसलिए आप कहीं भी पर्वत में जाओ, कहीं पर्वत में जाओ देखोगे पर्वत का शिखा ऊंचा दिखाएगा, लेकिन आप गिरिराज का कोई देखो अब शिखा ऊंचा नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा जैसे पिघलते हुए रूप है, क्योंकि कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके कृष्ण का बंसी ध्वनि सुन करके ये गिरिराज स्वयं द्रवीभूत हुए रूप है, ये द्रवीभूत रूप है। इसलिए गिरिराज ऊंचा नहीं, सब मुलायम जैसे पिघल करके कोई पिघलते हुए रूप गिरिराज गोवर्धन को देखोगे। इसलिए श्री गिरिराज ये पत्थर क्यों बन गए, कारण की कारण इसलिए पत्थर बने हुए क्योंकि प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे। यहाँ पर कृष्ण जितने प्रमद मदन लीला मतलब होता है जितने रहस्यमय लीला गिरिराज गोवर्धन में, उनको जल विहार निकुंज लीला, उनको अभी सुन रहे थे होली लीला, उनकी बोट पास टाइम नौका विलास लीला, उनकी कुंज लीला, उनकी हिंदोल लीला, जितने श्रृंगार रस का लीला कृष्ण यहीं पर की। इसलिए गुरुदेव कहते थे जैसे हम बाथरूम में स्नान करते हैं, जैसे तैसे इच्छा हो बाथरूम में स्नान कर लेते हैं, जैसे कपड़ा पहने, इसलिए गिरिराज गोवर्धन ने देखा अगर मैं प्रकट रूप में रहूंगा तो फिर तो कृष्ण का जो श्रृंगार लीला करने के लिए संकोच बद्ध करेंगे, अगर वो पुरुष रूप में होंगे फिर तो लीला कर ही नहीं सकती है, इसलिए अगर कोई सखी मंजर रूप में होंगे तो फिर वो श्रृंगार रस को वो लीला श्रृंगार लीला वहाँ हो सकती है। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन एकदम पिघलता हुआ रूप श्री गिरिराज गोवर्धन, इसलिए आप लोग अभी अभी श्रवण वहाँ पर किया श्री नारद जी जब अष्टकालीय लीला को उन्होंने श्रवण किया, बोले जब तक वृंदा देवी की कृपा नहीं होगी तब नहीं होगी। वृंदा देवी का शरण में गए तो वृंदा देवी कहती है देखो जब तक ये गिरिराज गोवर्धन की कृपा नहीं होगी ना कभी वो रस में तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। इसलिए श्री नारद स्वयं यहाँ पर स्वयं नारद ऋषि रूप में यहीं पर उन्होंने तपस्या किया, यहीं पर श्री उद्धव जी घास बन करके गिरिराज की कृपा पर प्रवेश नहीं, इसलिए स्वयं जितने सारे जिनको श्रृंगार रस में प्रवेश करने की इच्छा सबके सब श्री गिरिराज की चरणों को उन लोग ने सबके सब गिरिराज की चरणों को आश्रय लिए हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए हम लोग जहाँ पर अभी पहुँचे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण की मधुर मधुर कृष्ण यहाँ पर लीला की है, यहीं पर ग्वाल पोखर यहाँ पर है, यहीं पर कृष्ण बैठ करके अपना
नाश्ता करते थे, भोजन करते थे, बोले भोजन कहाँ से लाते थे, कभी कभी तो अपना घर से भोजन लाते थे, लेकिन कभी कभी लड्डू लाते थे। हमारे कहते ना, छले भले लाडू खाए श्री मधु मंगला बगल बजायार दे हरि बोल भजभा कसबा सलाम श्री गौरा। इसलिए कहते लड्डू कहाँ से लाते थे, कभी कभी यहीं से सूर्य पूजा के लिए जब राधा रानी जाती थी वहाँ पर ढूंढते थे गोपियाँ, कहते कहीं यहाँ पर पूजा करने वाले कोई है। इतने में कृष्ण स्वयं मधुमंगल ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते थे और राधा रानी को वहाँ पर पूजा करवाया करते थे। श्री राधा रानी को पूजा करा के वहीं से वो लड्डू लाया करते थे, ला करके यहाँ पर बैठ करके पोटली में बांध करके लड्डू यहीं पर लाया करते थे और बैठ करके अपना सखाओं को साथ में वहाँ वनभोजन किया करते थे। और कभी कभी ये मधुमंगल ब्राह्मण है कुल लड्डू और दूसरे चीज खाने में बड़े चतुर है। कभी कभी सखा लोग कहते थे, देखो मैया ने बड़े बैगन का पकौड़ा दिया है हमें, मतलब मेरे को नहीं दोगे तू अकेला खाओगे, लेकिन उसके अंदर में कभी कभी नीम की कड़ुआ पत्ता उसके अंदर में डाल देते थे। और मधुमंगल जो उसको खाता था वो तो उसके अंदर नीम पत्ता है, खाते ही मुंह एकदम कड़वा हो जाता था। मधुमंगल जनेऊ निकाल करके मेरे को कड़वा पत्ता गिला है, अभी हम तुमको अभिशाप देता हूँ। ऐसे तरह तरह का यहाँ पर लीला यहाँ पर करते थे। ये जो रत्न वेदी आप लोगों ने दर्शन किया, प्रभु अभी कथा सुनाए, ये रत्न वेदियों में कृष्ण राधा रानी को बैठा करके उनको अभिषेक किया रत्न वेदी में। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन कृष्ण सेवा के लिए सुंदर सुंदर रत्न वेदी यहाँ पर प्रकट किया करती थी। रत्न वेदी कब उनको पूजा की, जिस समय कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किया, सारा दुनिया में कृष्ण की जय जयकार हो रहा था। देखो कृष्ण कैसे श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, सारा दुनिया में कृष्ण की जय जयकार। इसको सुन करके राधा रानी पौर्णमासी को पास में गई, बोले पौर्णमासी में क्या सुन रही हूँ, ये कृष्ण की बड़ी जोर से जय जयकार हो रहे है। कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठाया, उसको नीचे सारे ब्रजवासी आश्रय ग्रहण किया, सारा दुनिया में कृष्ण का जय जयकार कैसे हो रहा है। सारा दुनिया कह रहे ब्रज का राजा कृष्ण नहीं, ब्रज का राजा कौन है, कृष्ण श्री कृष्ण है ब्रज का राजा। ऐसे कैसे राधा रानी बोली, सारा दुनिया जानते मैं राधा रानी, लेकिन कृष्ण को कोई कृष्ण राजा नहीं कहते, राधा रानी। इसलिए ब्रज में आओ ना, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण को इसको बोलते हुए नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो और जोर से। यहाँ पर सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते, इसलिए राधा रानी। कभी ये सारा दुनिया कृष्ण के कैसे जय जयकार, बोले हाँ सही बात है। इतने में राधा रानी ये सिंहासन में राधा रानी को बैठा देते हैं और राधा रानी को सिंहासन में बैठा करके कहते आज हम कृष्ण गोपन में आक्रमण करेंगे। सखियों ने राधा रानी को सर पर सखियों ने छत्री धारण कर लिया, करते हुए सखियों को भेज दिया और सखियों ने आक्रमण किया, किसको ऊपर में, कृष्ण और उनका सखाओं को ऊपर में आक्रमण करके सबको बंदी बनाया। बोले किस चीज से बंदी बनाया, बोले फूलों की माला से, फूलों की माला से। बोले क्यों, भगवान केवल प्रेम की वसीबत है, हैं के बाप पावे वा के पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी वही धार। यह हम तो ब्रज भूमि है, हैं जहाँ पर परम ब्रह्म को अपना प्रेम रूपी माला को द्वारा बंधन बना करके कृष्ण को यहाँ पर ले आए। तो जब इतने राधा रानी ने देखा श्याम सुंदर को बंदी बना करके लाए हैं, इतने में राधा रानी खड़ी हो जाती है। फिर श्याम और राधा रानी को यही सिंहासन में बैठा करके हैं उनको जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना आरती कराए लली। इसलिए उनको यहीं पर उन्होंने उनका आरती करते, इसलिए ये रत्न सिंहासन यहाँ पर है। यहीं पर किस समय में कृष्ण जब सखाओं को साथ में खेल रहे थे, राधा रानी अपना सखियों को साथ पर यहीं पर आए, इतने में आ करके कृष्ण ने श्री राधा रानी को कहती है, बोले हे राधे मैं ये वृंदावन धाम में तुम्हें प्रदान करता हूँ। ललिता बोले तू कैसे दोगे, ब्रज का राजा तो तू है नहीं, ब्रज का राजा श्री नंद राजा है, अभी तो तुम बच्चे हो, ब्रज का राजा नंद राजा तू कैसे राज्य दे सकते हो, नंद बाबा चाहे तो राज्य को दे सकते, तुम नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं, मैं दे सकता हूँ। इसलिए राधा रानी को कभी यहीं पर उन्होंने रानी बुलाए, बोले देखो हम यहाँ पर एक मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं। इतने में श्री राधा रानी बोले जब मैं रानी हूँ, राधा रानी को रानी बना दिया और श्री ललिता को मिनिस्टर बना दिया, विशाखा को उन्होंने अच्छे अच्छे सब पद दे दिया सब सखियों को, और कृष्ण का जितने सखा था ना सब घटिया पद दे दिया, किसको झाड़ू लगाने का, किसको
पत्ता फेंकेगा और किसको चौकीदारी की, किसको पुलिस का, उनको एकदम छोटी छोटी सेवा दे दिया। दे दिया तो सारे सखा का मुंह तो लटक गया, नीचे हो गया। तो देखो हमको क्या क्या सेवा दिया और सखियों को इतने बड़ी बड़ी सेवा दे दिया। इतने में सखाओं ने परामर्श किया, एक काम करो, इनके जो मंत्रिमंडल में इसमें बदनामी करा के मंत्रिमंडल को हम एक सब तोड़ देंगे। हमको बोले थोड़ा चाय कैसे, बोले चोर का इंजाम लगाएंगे। इन लोगों ने क्या किया, कृष्ण का बंसी को लेकर के ललिता के जो कपड़े को अंदर में ना छुपा दिए, छुपा करके इतने में कृष्ण ने कहा देखो हमारी बंसुरी चोरी हो गई है, इसलिए राधा रानी के देश में शिकायत थी कि बंसुरी चोरी हो गई। बोले बंसुरी चोरी हो गई? बोले हाँ। बोले आपका शक किसको ऊपर में है? बोले शक तो ये ललिता के ऊपर है, हमारी शक ये ललिता के ऊपर में शक है, लगता है यही चोरी की। बोले मैं चोरी करूंगी, एक बांस के टुकड़े को मैं चोरी करूंगी। इतने बोले उठो खड़े हो जाओ ललिता, अपना कपड़ा को झाड़ो। कपड़ा झाड़ा तो सचमुच से ललिता के कपड़े से ही ये बंसुरी निकली। अभी ललिता गौरी ने बदनामी करा दिया, इसने चोरी की, राधा रानी के राज्य में चोरी की, पूरा बदनामी करा दिया। जब बदनामी करा दिया इतने में बदनामी राधा रानी करेंगे सखियों की, इतने में श्री ललिता सखी कहती है एक तो बांस के टुकड़े, एक बांस के टुकड़े के लिए तुमने बदनामी करवाया, और एक पुलिस का ड्यूटी किसके? बोले कृष्ण को बुलाते हैं पुलिस, अगर किसको देश में अगर चोरी हो दोष किसकी है? पुलिस की चोरी है, पुलिस की दोष है। बोले तुम ऐसे कैसे पुलिस पोस्ट पे आया है और तुम्हारी बंसी खोज दो, अगर चोरी हो गया, अगर अपना बंसी को तुम नहीं संभाल पाए तो राधा रानी का दोष है, इसलिए कृष्ण के ऊपर में पूरा का पूरा कृष्ण के ऊपर में दोष ले आए। इसलिए यही पर सबके सब ये लीला हुआ करती थी। देखो ये जो वृक्ष देख रहे हैं ना, जानते हो कौन सा वृक्ष है? बताओ तो वृक्ष का नाम क्या है? बताओ तो वृक्ष का नाम क्या है? कहते मुक्ता का, ये मुक्ता वृक्ष है, ये वृक्ष मुक्ता वृक्ष है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक तो मुक्ता चरित्र उन्होंने ग्रंथ लिखा है। कृष्ण जब द्वारका में गए 16108 पटरानियों को साथ में शादी हो गई। एक दिन सत्यभामा रुक्मिणी कृष्ण को प्रश्न करते हैं, बोले कृष्ण हमने क्या सुना है तुम जब ब्रज में था तुमने मुक्ता के वृक्ष लगाया, लेकिन हम सब जानते हैं मुक्ता कहाँ होता है? समुद्र में मुक्ता होता है, मुक्ता कभी वृक्ष में नहीं होता है। हमने सुना तुमने वृक्ष मुक्ता के वृक्ष लगाए। कृष्ण सुनते ही इतने में राधा रानी के प्रेम, गोपियों की प्रेम की याद आई, कृष्ण तो रोने लग गए, कृष्ण के आंखों से आंसू की झरी बहने लग गई, क्योंकि उनके ब्रज प्रेम को याद आने लगा। मैं ब्रज गोपियों को प्रेम में बसीभूत होकर के मैंने क्या नहीं किया। तब कृष्ण ने ये मुक्ता चरित्र कथा सुनाई। बोले एक समय दीपावली में ये गोपियां सुंदर सुंदर मुक्ता की माला बना रही थी। जब माला बना रही थी मैंने जाकर कहा देखो मेरे भी एक हिरण है, हाँ एक बछड़े है, इनके लिए थोड़ा मुक्ता तुम लोग दोगे? तुम तो बड़े सुंदर सुंदर मुक्ता की माला बना रहे हो। इतने में सखियों ने, राधा रानी ने जो टूटे फूटे मुक्ता था, बोले ये ले ले मुक्ता चाहिए। बोले गैया चराने वाले गैया को पीछे पीछे डोलते हो, ये मुक्ता तो कोई रानियों का व्यवहार करने वाले, तुम ग्वाला जैसे लो, ये फटे फूटे मुक्ता दिए। इतने में कृष्ण को तो बड़ा कष्ट मिला, बड़ा उनको अपसेट दुख हुआ। बोले ये गोपियों को मैं मजा चखाऊंगा। इतने में कृष्ण अपना मैया को पास में गए, बोले मैया मेरे को थोड़ा मुक्ता दोगे मैं पेड़ लगाऊंगा। बोले पागल, मुक्ता कहीं पेड़ में होता है? मुक्ता तो होता है सीप में और समुद्र में होता है मुक्ता। बोले नहीं मैया मेरे को थोड़ा मुक्ता दे दे मैं पेड़ लगाऊंगा। इतने में मैया ने कुछ मुक्ता दिए, कभी बात छुपा करके लाए, और कृष्ण उन्होंने मुक्ता वृक्ष लगाया। पेड़ जब मुक्ता वृक्ष लगा करके और गोपियों को दिखा दिखा करके ना उसमें दूध डाल रहे थे। इतने में गोपियों ने कहा देखो कैसे पागल है, मुक्ता होता है सीप में समुद्र में और ये मुक्ता पेड़ लगा करके दूध दे रहे हैं। गोपी लोग तो खिली उड़ा रहे थे, लेकिन कृष्ण तो ईश्वर है जो अघटन घटना पटे ऐसे है को नहीं नहीं को है कर सकते है। सचमुच से देखा वृक्षों का वृक्ष लगा उसमें और इतने सुंदर वृक्ष और इतने सुंदर फूल, उसका खुशबू से चतुर्दिग आमोदित हो गया। सचमुच से वृक्ष में एकदम मुक्ता फलाया। कहते मुक्ता आठ तरह का मुक्ता है, लेकिन कृष्ण ने यह जो वृक्ष है इसमें आप देखना तरह तरह का, अभी ये बीज लगा हुआ है, देखो ये बीज है, कुछ दिन बाद में इसमें फल आएगा। अद्भुत एक वृक्ष में लाल रंग का, नील रंग का, सफेद रंग का, अलग अलग रंग का इसमें फल आएगा, सुंदर सुंदर फल आएगा इसमें जब इसे फल आ जाए। इतने में कृष्ण मुक्ता को सचमुच से गोपियां देख देख दंग हो गए। बोले भैया अद्भुत मुक्ता है,
हमने कभी इतना सुंदर मुक्ता देखा ही नहीं। इतने में गोपियों ने कहा, देखो हम भी मुक्ता वृक्ष लगाएंगे। तू क्या लगा सकते हो, हम नहीं लगा सकते। इन लोगों ने किया क्या, पतियों को नहीं बोल करके उन्होंने घर से छुपा छुपा करके मुक्ता लाए, ला करके और उन्होंने भी खेती किया। खेती करके बोले, तुमने दूध दिया ना, हम मक्खन देंगे, हम मक्खन उसमें डालेंगे। इसलिए उन लोग मक्खन डाल रहे थे इतने में, लेकिन जो वृक्ष हुआ ना, वो मुक्ता वृक्ष नहीं, सब कांटा वृक्ष हो गया, सबके सब बबुल। अब इसलिए वृंदावन में देखो, सब बबुल वृक्ष, सारी तरफ में बबुल वृक्ष हो गया। बोले भैया ये क्या हुआ है, हम तो बिना पतियों को बोले छुपा छुपा करके लाए, अगर पतियों को पता चलेगा सारे मुक्ता गया तो गया, नष्ट हो गया, डंडा आए कि नीचे नहीं, सब पीठ के बल पड़ेगा डंडा, अभी क्या किया जाए। इतने में कृष्ण को शरण में जाना पड़ेगा। अभी उन लोगों ने मोतियों को दिए, सोने चांदी ला करके फिर कृष्ण के पास में आए। बोले कृष्ण इसको ले करके, अभी वो सोच रहे हम जाएंगे कैसे, कृष्ण जब मांगे हम तो उनको खिली उड़ाए, फट्टे फुट्टे मुक्ता दिया, अभी जाएंगे इसे, जाएगा कौन। कोई बोले तू जा, कोई बोलते मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हम कृष्ण को खिली उड़ाए ना। बोले तू जा, ये कहते नहीं तू जा। अभी मिल करके सबके सब कृष्ण के पास में गए, कृष्ण फिर उनका प्रतिशोध लिए। बोले हाँ तुम लोग बोल रहे थे ना ये फटे फटे मुक्ता लो, अभी बताओ मुक्ता को विनिमय में क्या दोगे, कुछ देना पड़ेगा ना, छोटे मोटे चीज नहीं हम दान देने वाले, हम तो बहुत बड़ी चीज। वहां पर बड़ी हंसी लगी और कैसे प्रेम की उन्होंने भिक्षा उनसे लिया है, इसलिए कृष्ण ने इस मुक्ता वृक्ष लगाए। और यहाँ पर अद्भुत अद्भुत कृष्ण की अद्भुत अद्भुत लीला है। यहीं पर जो कुंड है आप लोगों ने श्रवण किया, इसका नाम है मुक्ता कुंड, इसका नाम श्याम तलैया। यहाँ पर श्री वृंदादेवी अद्भुत 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 कहते, तो उनको जितने श्रृंगार रस का जो लीला ये वृंदा देवी करती थी, ऐसे कुंज बनाया करती थी जो कुंज का रंग पूरा नीला ही नीला, ऐसे कुंज बनाती जिसमें तो पीला ही पीला, ऐसे कुंज जिसमें केवल सफेद सफेद, ऐसे उसको अंदर में कुंज में जो प्रवेश करते थे राधा गोविंद, अगर यहाँ पर कोई खड़े हो ना वो देख नहीं सकते वहां अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अद्भुत उनकी लीला माधुर्य, उसका अंदर में कृष्ण जब प्रवेश करते थे, कभी लुकोचोरी खेलते थे, कभी कृष्ण कभी चोर बनते थे, कभी राधा रानी भी चोर बनती थी। एक समय कृष्ण चोर, राधा रानी चोर बनी, राधा रानी चोर बनते उनका आंखों को कौन बंद करेगी, बता उनको सखियों ने, अभी कृष्ण जाकर कुंज में छुपेंगे। लेकिन इतने में सखियों का काम किया जुगल का मिलन करना, देखो मेरे तरफ में कैसे आंख में छुपाए करते ऐसे ऐसे मतलब कृष्ण दर्शन कर राधा रानी कौन सा कुंज में प्रवेश की, जैसे कृष्ण देखा और राधा रानी को पकड़ ली। एक समय ललिता ने कृष्ण का आंख को ऐसे बंद किया तो राधा रानी सब देख लिया। बोले कृष्ण 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 कौन सा कुंज में गए ना, उन्होंने देख लिया तो इतने में कृष्ण गए पता इसी कुंज में, लेकिन वो कुंज ऐसे अद्भुत कुंज था, अगर यहाँ खड़े हो गए तो अंदर में कौन दिख नहीं पाए, ऐसे अद्भुत कुंज। अभी कृष्ण वहां चले गए, लेकिन उन्होंने देखा कुंज में प्रवेश किया, लेकिन कृष्ण वहां खड़े होकर अंदर में क्या हो रहा है कुंजे वाले इनको तो देख सकते हैं, लेकिन ये कुंजो को नहीं देख सकता, अद्भुत कुंज ये वृंदा देवी की चमत्कारिता है। उन्होंने देखा राधा रानी कृष्ण, राधा रानी गोपियों ने कृष्ण को देख लिया यहाँ पर है। अभी राधा रानी देख करके ना धीरे धीरे एक कुंज से दूसरे कुंज जाना शुरू किया, राधा रानी के चरण में पायल है, गोपियों के चरण में पायल है। जब वो जा रही थी ना, चरण की छम छम आवाज आ रही थी, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी भैया इसमें कौन है कि नहीं। इतने में कृष्ण ने कहा, भैया क्या ये कुंज छमछम करके चल रहा है, हाँ कुंज, लेकिन कृष्ण समझ गए ये इसी कुंज में है। इतने में सखियों तो एक कुंज से दूसरे कुंज चली गई, लेकिन राधा रानी का जो चाल है ना, तीन चार तरह का चाल है, एक चाल है गजनी, गजनी मतलब हस्ती, आप देखा हाथी कैसे कितना सुंदर चलती, राधा रानी का जो चाल है ना कहती हस्ती गजनी गजनी, और कुछ का चाल होता है घोड़ा चाल। इसलिए स्त्रियों में चार तरह का चाल उनका चलने का डबरे, इसलिए स्त्रियों में जो सुंदरता जो सबसे चाल है हाथी जैसे चलती है गजगमनी, इसलिए कहता गजगमनी। ये चाल को हाँ ये चाल को सबसे सुंदर चाल बताया, राधा रानी तो गजगमनी है। राधा रानी अभी सबके सब चले गए, राधा रानी तो पीछे रह गई। इतने में कृष्ण ऐसे ऐसे समझ गए अंदर, ऐसे ऐसे करते करते राधा रानी को पकड़ लिया तो फिर राधा रानी ऐसे ही यहाँ पर अद्भुत रूप में कंदरा कंदरा में अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक दिन जैसे ये गिरिराज की कृपा से ही हृदय में ये सारे लीला इनकी कृपा से हृदय में प्रवेश करता है, इसलिए गुरुदेव कृपा करे, वैष्णव लोग हम कुछ कृपा करे, गिरिराज एक दिन हमारी इच्छाओं को पूरी करे और उनकी राधा रानी की नित्य लीला में जैसे हमारी प्रवेश हो।
वंशाकल दुर्भस्य कृपा सिंधु भई वच पतितानन पावन हरे कृष्ण उत्तम प्रभु प्यारे ऐसा आप लोग।